नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे भारत में पहली बार कब हुआ, पहली अध्यक्ष कौन है, महिला अध्यक्ष कौन है, पहली बार किसे अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को आज हम लेके आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि स्टैटिक जीके में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में पहली बार कब हुआ, भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो स्टैटिक जीके से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहला रेडियो शो कब प्रसारित किया गया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में पहला रेडियो शो कब प्रसारित किया गया था। ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी 1923। हमारा राइट आंसर है 1923, जब भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है। यहाँ पूछ रहा है कि भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ, मुगलसराय रेलवे स्टेशन वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। कौन सा रेलवे स्टेशन है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए क्योंकि पहला पूर्ण महिला प्रबंधित है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। यहाँ पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो हमारा ऑप्शन है कर्णम मलेश्वरी, माधुरी पुरी बुच, शांति श्री धुलीपुरी पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी श्री अशांति श्री धुलीपुरी पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो हम ऑप्शन है 1872, 1972, 1856 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1872। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जबकि दशकीय जनगणना 1881 से शुरू हुई थी जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1872, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी दस की आधार पर 1981 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल से शुरू हुई थी या कब। कभी कभी पूछा जाता है कि पहली जनगणना दस की आधार पर जनगणना कब से शुरू हुई या किसके शासनकाल में। तो दस की आधार पर 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी। यहाँ पर भी पहली है तो इसका मतलब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी सेबी की। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसके ऑप्शन है तानवी शाह, पीटी उषा, माधुरीपुरी बुच, गीता गोपीनाथ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधुरीपुरी बुच। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधुरीपुरी बुच बनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था वह कौन सा है। ऑप्शन है अपोलो 11, आर्यभट्ट, आदित्य 11, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। कौन सा, आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में पहला भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे 1975
1905 में प्रक्षेपित किया गया था वह कौन सा है? आर्यभट्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? यहाँ पर पहली है, वंदे भारत है, तो इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है दिल्ली मुंबई मार्ग, चेन्नई मुंबई मार्ग, मैसूर चेन्नई मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर चेन्नई मार्ग। कहाँ पर चली थी? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मैसूर से चेन्नई मार्ग पे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, फातिमा बीबी, द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान समय में है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। मीरा कुमार लोकसभा की पहली अध्यक्ष थी। लोकसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश थी। महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये चारों नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछा गया है, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार कौन थी, फातिमा बीबी कौन थी और द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखेंगे, प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू, और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला, ये भी भारत का पहला है, मास गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? भारत का पहला मास गार्डन कहाँ स्थित विकसित किया गया है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, केसी नियोगी, राजीव अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और वर्तमान में कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, वह अरविंद पनगड़िया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? तो जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो पहला उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग की चाय। कौन सा है? दार्जिलिंग की चाय। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, कर्णम मलेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्णम मलेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मलेश्वरी है पहली महिला। बाकी मीराबाई चानू ने भी सिल्वर पदक ओलंपिक में जीता था और पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज पदक जीता था बैडमिंटन में, और मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक जीता है ओलंपिक में। तो हमारा राइट आंसर है
ऑप्शन सी कर्णमलेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। अगला क्वेश्चन है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया है? 1896 में, 1999 में, 1898 में और 1874 में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1896 में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो 1896 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 की मेजबानी किसने की थी? यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप जो 1973 में हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? यूएसए ने, जापान ने, कनाडा ने, इंग्लैंड ने। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड ने। किसने की थी? इंग्लैंड ने। तो प्रथम महिला विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता गया? भारत में हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता गया? ऑप्शन है 1975 में, 1999 में, 1950 में, 1990 में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1975 में। तो भारत ने हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता है? 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। इनको उड़न परी भी कहा जाता है, इनका टैग है उड़न परी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पीटी उषा। और ये राज्यसभा में जो सांसद हैं वो भी बनी थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? यहाँ पूछा जा रहा है कि जब भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था तो उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? श्रीलंका के प्रधानमंत्री, यूएसए के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल जी कानिया, डी वाई चंद्रचूड़, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हीरालाल जी कानिया। सुप्रीम कोर्ट में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जी कानिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कौन सा है? भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, मानव अंतरिक्ष यान है, कार्यक्रम कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी गगनयान। कौन सा है? गगनयान। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कहाँ बना था? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, आगरा का ताजमहल, औरंगाबाद का मकबरा, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कहाँ बना था या कौन सा बना था? तो हुमायूं का मकबरा। आगरा का ताजमहल ये तो शेरशाह ने बनवाया था अपनी बीवी की यादगार में। औरंगाबाद का किला जो मकबरा है वो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीवी की यादगार में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।